गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस कोको उठ गया यहाँ पे, मैं जस्ट नहा धो के और कान्हा जी को अभी उठा के नहला के उनको अभी आई हूँ कपड़े वपड़े पहना के। तो गाइस अभी करूंगी मैं थोड़ी एक्सरसाइज, मॉर्निंग में छूट गई थी क्योंकि भागम भाग में हस्बैंड को फीवर था अब तो, लेकिन ऑफिस जाना था उनको। अभी पूछूंगी तबियत कैसी है, तो अभी मैं करूंगी थोड़ी सी एक्सरसाइज क्योंकि साइटिका का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरे पैरों में। धूप बाहर तो आ गई पर घर में तो कोई नामो निशान ही नहीं है धूप का। पैर के बज चुके 2:40 और बच्चे आ गए नीचे। नीचे क्या, मैं तो पहुंच भी नहीं पाई, बच्चे पहले ही आ गए घर में, मतलब बिल्डिंग में आ चुके थे। मैं लेट हो गई खाना बनाने में, ये बत्सल है और आते हुए इसकी शैतानी चालू है और फोन मांग रहा है देखने के लिए। और इसकी खो गई है मैग्नेट, 4-5 मैग्नेट की गोली थी, 10-15 वो भी खो दी। और संस्कृति कपड़े बदलने में सबसे ज्यादा टाइम लेती है, और जब भी मैं खाना लगा चुकी हूँ और खाने में बनाया मैंने पत्ता गोभी की सब्जी, दही एंड रोटी। अब हम खाएंगे खाना और फिर मैं बच्चों को सुला दूंगी, फिर टीचर इसको पढ़ाने आएगा, संस्कृति को तो पढ़ा देगा और फिर वत्सल तो उठेगा अपने, थोड़ा लेट लगती भी। अभी खा रहा है अपना खाना, खा ले खा ले बेटा जल्दी खा ले, देर हो रही है, सोएगा तू भी, सारे दिन नशे में रहता है एक कोको हमारा, फटाफट खा। ओए गुड बॉय, चल चल वत्सल चलो अंदर, क्यों मार रहे हो फोन पे झपट्टा। ये संस्कृति आ गई और मंडला 8 में ये फर्स्ट आई, ना सेकंड आई ना थर्ड आई, कहे जी ये तो फेल हो गई। यार वो मैम की बेटियां आ गई फर्स्ट सेकंड। लंच हमने कर दिया स्टार्ट और प्यारा प्यारा लंच आपके लिए, भी रोटी है नहीं। तो गाइस इवनिंग के बज चुके हैं 6:00, संस्कृति जस्ट ट्यूशन पढ़ के निपटी है, वत्सल सो रहा है और इसके पापा को आ गया फीवर आज, ये तो खैर वही घर पे आ गया। और अभी मैं बना रही हूँ संस्कृति के लिए पराठा। कोको कहाँ से आया है, कोको यहाँ बैठा था, तो ये करिए डांस हिमाचल वाली इतने गंदे से गाने पे, वो भी नहीं साल के लिए। हिमाचल कौन सी हिमाचल वाली है, इतना गंदा गाना, सरे यार भाग जाएंगे सारे। तो गाइस इतना गंदा गाना सुना है, हिमाचल वाली पता नहीं क्या हिमाचल वाली, इस पे कौन डांस करता है, छी इतना गंदा। तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी पराठा, मम्मी आएंगी और मेरे भाई आने वाला है तो खाने की भी तैयारी करनी है, फटाफट बनाते हैं हम अपना खाना पीना नाश्ता। हो गया, चाय निकल गई मेरी सारी, देखो नीचे बह गई है, ओ कितनी सारी चाय बह गई, आधी चाय हो गई, ऐसी दूध कम था। तो गाइस खाना लग चुका है यहाँ, ब्रेकफास्ट वो ब्रेकफास्ट क्या स्नैक्स है शाम के, और नीचे पड़ी है सोफा छोड़ के, ऐसे ऐसे बच्चे सही में ऐसे बच्चों को मारने को जी कर रहे कुछ काम ना, इतना परेशान है, इतना परेशान, 24 घंटे इसका सोना ऐसे फैल जाएगा। अभी तो बिस्तर पे सुता रहा हूँ, देखो आग देख, आँख आग देख टेढ़ी है, नानी आ रही है, डांट लगेगी ना तो अकल आएगी तुझे, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है, मतलब डांट ही रहती 24 घंटे। हाँ डांटेंगी ना तुझे, काम ही ऐसे करे, बाल चिपका चिपका कल छोड़ के भाग जाओ, कैसे बड़ा छपकली सा देख रहे हो भाई, कितना मोटा लग रहा था। हाँ बस 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 पीछे रह जाते, प्यारी आ गया गाइस, देखो ऐसा आके बैठ गया, अभी अब ये टेबल पे पैर रख सकता है, पराठे का भूखा शेक हैंड देख ले, शेक हैंड देख, पैर धोए तूने आज, आपने धोए मेरे पैर आज, पैर धोए आज, बाथरूम में आके बिना बैठता हूँ, ठंड में ऐसी ठंड चढ़ी रहती है 24 घंटे, कौन ठंडी ठंडी हवाओं में, कारी जला हुआ पराठा, मुझे टी शर्ट पहनाना, गाइस जल गया ये पराठा, चाय आती है पर टेस्ट बढ़िया है, गाइस बाल इसके देखियो अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम अच्छे थे, पर इसका मतलब ये थोड़ी तुम अब्दुल कलाम जैसे ज्ञान ना पाओ। नेशनल में ब्रॉन्ज लाई इनकी क्लास की एक लड़की और हमारी कुछ नहीं कर पा रही है। तो गाइस अभी बच चुके हैं इवनिंग के 7:00 और पढ़ाई में चैप्टर आ रहे हैं 12 और दिन बज रहे हैं 12, एक ही सब्जेक्ट के 12 चैप्टर, 12 दिन 24 बाई 36 बाई 64 बाई 65 तो 60 चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ 12 डेज में, कैसे करेगी ये, ऐसा लगता है बालों का तो गुफा बना दिया होगा इसे। तो अभी वत्सल कर रहा है अबेकस का काम और अबेकस में इनको हो रहे हैं शायद कंफ्यूजन, क्यों भाई कितने रह गए, कितने, अच्छा अच्छा चलो चलो चलो, समझ मारे टूल यूज कर रहे हो, नहीं टूल यूज करो, 11 करो यूज 50 50। तो गाइस अबेकस में टूल यूज करना चाहिए बट टूल यूज नहीं कर रहा है वसल, तो इसको और ज्यादा कैलकुलेशन में देर लग रही है, वरना टूल से तो बहुत जल्दी काम होता है। और आज इसकी कॉपी में दिखाऊंगा गाइस आपको, तो गाइस ये कॉपी में इसकी अनटाइडी वर्क इसका आया है और ये इसको काट दिया गया है, मैम ने कह रहा था आज तो मैंने बहुत साफ लिखा है, अब देखो ये साफ लिखा है क्या। तो गाइस अभी काट रही हूँ मैं पालक की सब्जी एंड आलू पालक बनाऊंगी और ये धनिया साफ करके रख दिया है, तो अभी सब्जी काटने की तैयारी हो रही है। 8 बज चुके हैं और अभी
मतलब खाना बनाने स्टार्ट करूँ तो 9 o'clock तक हमारा खाना बन जाएगा और खा भी। सो गाइस इवनिंग के बच चुके हैं 8 o'clock और मेरा खाना बस सब मैं जस्ट बनाऊंगी। वत्सल की चल रही है अभी, थोड़ी सी पढ़ाई हो रही है, होमवर्क थोड़ा सा मतलब बाकी है इसका आज का। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करेगा, जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।